Now the new topic is ionic equilibrium, the second part of the equilibrium chapter. थोड़ी थोड़ी ये बातें करने वाला भी chapter है, तो I'll definitely talk to you and I want answer from your side also. So ionic equilibrium means जब कोई चीज आयन बन जाती है, आयन कौन बनते हैं, एसिड और बेस और सॉल्ट और तो कुछ नहीं बनते, ठीक है. अब यू हैव डन टू टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एनीवन? And what are known electrolytes? Yes, this you are doing from the junior standards. Anji, anyone, you can write in the chat box if you are not okay with raising the hand and then giving the answer. So what is electrolyte? Anyone? Yes, anyone? No one? You don't know what are electrolytes and non-electrolytes. This you are doing in class 10th, I think. In acid, base and salt, may aapko teacher batate honge what are electrolytes or not? You have done or not? Kind of minerals. They are kind of minerals, no? Yes, Divyanshi? Which dissociate to give ions, yes. Ma'am, electrolytes are those which dissolve to give ions in aqueous solution and it conducts electricity. Yes, okay. So we can basically say the electrolytes are those which conduct electricity and electrolytes mein sab aa jate hain bete, acid, base and salt. देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली दो चीजें हैं, या तो मेटालिक कंडक्टर होते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है. मेटालिक कंडक्टर्स में जैसे भी कोई भी आप कॉपर वायर की बात करते हो, दैट इज अ मेटालिक कंडक्टर. वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, वो किस लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें होते हैं आयंस. अब आयंस किस में होते हैं, एसिड में भी होते हैं, बेस में भी होते हैं, सॉल्ट में भी होते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाते हैं, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन. एंड व्हाई दे आर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस. सो व्हाट आर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आर, दीज आर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, है ना. एसिड भी डिसोसिएट करेंगे, बेसिस भी डिसोसिएट करेंगे, सॉल्ट्स भी डिसोसिएट करेंगे. मेरे पास NaOH है, वो भी डिसोशिएट करेगा. HCl है, वो भी डिसोशिएट करेगा. इफ आई एम हैविंग NaCl तो वो भी डिसोशिएट करेगा. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो आयंस दे फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है. तो आपको ये कंसेप्ट है कि टू टाइप के सब्सटेंस जनरली कंडक्ट करते हैं. एक को कहा जाता है मेटालिक कंडक्टर्स, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस. एंड दीज जनरली कंसिस्ट ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट. जब इनको वाटर में डाला जाता है, दे विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयन एंड दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. एंड वट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विच विल नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव द आयंस एंड दस दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. You remember one of the experiment you used to read in class 10th also, talking about glucose and any acid, है ना. तो glucose है, वो भी water में dissolve करता था. और कोई भी acid base या salt की बात करें तो वो भी water में dissolve करता है. मगर glucose का solution electricity conduct नहीं करता, ठीक है. glucose का solution electricity conduct नहीं करता, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो वाटर में डिजोल्व करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना. वो कोई डिसोशिएट नहीं करता, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है. मगर कोई भी एसिड, बेस और सॉल्ट जो होते हैं बेटे, दे विल डिसोशिएट इनटू द वाटर एंड दस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयंस, ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें. अब इसमें भी टू टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, यू नो. वन इज स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे
या स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस पे सॉल्ट हो जाएंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. वन इज वीक, वीक जो भी वीक एसिड्स हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे, वीक एसिड और बेस का सॉल्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में. ठीक है, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिजॉल्व इन वाटर एंड गेट कंप्लीटली आयोनाइज, दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच ऑन डिजॉल्विंग और डिसोल्यूशन इन वाटर पार्शली डिसोशिएट और आयोनाइज इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, गॉट इट. So this is what are electrolytes. So we are studying with what we have to study in this chapter. Actually, we have to study electrolytes only, which are acids and base. And then pH, then buffer solution. I think it's not in syllabus. I'll check it out. So what we are studying again the chapter 10th of your chapter 2nd of your 10th class, that is acid, base and salt. And now it is known to you as ionic equilibrium, because we have to enhance our knowledge. Now we have to study as an equilibrium between ion and unionized substance. Okay. Now what is ionic equilibrium? That equilibrium exists between ions and unionized substance. Okay. That is an ionic equilibrium. फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने कोई आयंस नहीं बनाए थे. अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम आयंस बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम एसिडिक एसिड लेंगे, उसको वाटर में डालेंगे एंड वी विल गेट एसीटेट एंड हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो हमने किस में स्टडी की इक्विलिब्रियम, वी आर स्टडिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन and unionized substance, and this is known as ionic equilibrium. So in the ionic equilibrium we are talking about electrolytes which will form ions, and these electrolytes are acids, bases and salt. So particularly we'll talk about acids and base first. Okay, so let us talk about acid. So in the layman language, you have studied in class 10th also, what are acids and what are bases? Yes, will tell me again. Then we'll do the different concepts of acids and bases. Yes, will tell. Yes, Vete. Anyone, what are acids? You have done in class 10th also. Acid give H plus ion. Yes, Riddhi. This is which concept? Base give OH negative. Yes, which is. अच्छा, अगर मैं आपके सामने एसिड और बेस ऐसे रख दूं और मैं आपको टेस्ट ट्यूब में पूछूं कि किस में एसिड और किस में बेस है, तो तब कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आपको टेंथ में करवाया जाता है, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? लिटमस से, आई थिंक पीएच से. यस, पीएच पेपर से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. यस, यू आर राइट. एसिड इसका बिलो 7 है. यस, ओके. पीएच से तो इवन आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मींस विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, या विच इज अ वीक एसिड एंड विच इज अ वीक बेस, है ना. यू कैन इवन डिस्टिंग्विश दैट ऑल्सो, है ना. अदरवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटमस पेपर, रेड टू ब्लू बेस है, ब्लू टू रेड एसिड है. तो अगर हमारे पास लिटमस पेपर हो तो हम एसिड डिस्टिंग्विश करेंगे. रिद्धि सिंह, इंडिकेटर्स, फिनोफ्थीन इंडिकेटर यूज करते हो. अब आपने वो भी कर लिया टाइट्रेशन, तो आप इंडिकेटर्स भी यूज करते हो. तो आप बेसिस को बिटर कहते थे, टर्न रेड लिटमस ब्लू करते थे, सोपी टू टच, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलाइज एसिड. ठीक है, तो उसके बाद आपने एक कंसेप्ट कर लिया बेटे, वन कंसेप्ट यू हैव डन इन क्लास 10th आल्सो. द कंसेप्ट इज नोन एज आर्हीनियस कंसेप्ट. आर्हीनियस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट यू सर्टनली हैव डन, बट डोंट बाय नेम, बट एज सच यू नो दिस कंसेप्ट वेरी वेल. ठीक है, व्हाट आर एसिड्स?
See, according to our Heinous concept, the acids are the substance, you know very well, which give H plus ion. Okay? Which dissociate to give H plus ion in water, we can say. Bases are the substance which dissociate to give OH negative ion in water. ठीक है, तो एसिड को कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसिड लाइक HCl इज एन एसिड बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, वाइल इन वाटर इट विल गिव एक्वस कर दो आप इसको, तो इट विल गिव H प्लस, है ना, तो फर्दर वाटर के साथ कंबाइन होके इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम ऑल्सो. ठीक है, और बेस क्या है, विच विल गिव OH नेगेटिव आयन. Base is which in water, in aqueous, which will give OH negative, that is hydronium ion. ये concept तो सबको ही पता है, ये concept तो everyone is knowing. What is acid, what is base? So acid is a chemical substance, एक substance है, एक electrolyte है, जो कि aqueous solution में H plus देता है, या हम कहें hydronium ion देता है, क्योंकि water के साथ combine हो गई H2O positive बना लेगा, या base क्या है, जो OH negative. तो मगर ये concept करने के बाद, वो तो हम 10th तक बोलते ही थे, हमने इस concept की कुछ limitation बताई, limitation बताने के बाद next concept पे आए, you will do 3 concept in this chapter. तो इस concept की limitation क्या है. ठीक है, पहली तो बात कि ये पहले H प्लस देता है, हमने एनहांस किया, नहीं जी ये H प्लस नहीं देता, ये आगे हाइड्रोनियम आयन बना लेता, क्योंकि H प्लस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि H प्लस का जो साइज है बेटे बहुत ज्यादा छोटा है. ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहें जो पॉजिटिव फील्ड है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसने फर्दर हाइड्रोनियम बनाना ही है. मगर जब आरहीनियस बता के गया था तो आरहीनियस ने हमें ये बात करी नहीं थी कि एच प्लस से हाइड्रोनियम बनेगा. ठीक है, दूसरा इसने अमोनिया जैसे सब्सटेंस की बेसिसिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, जैसे कि NH3 बेस क्यों है, ना तो ये OH नेगेटिव दे रहा है, व्हाइट इज बेस्ड है. ठीक है, तो किसी चीजों की इसने बेसिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक, तो हमने आरहीनियस कंसेप्ट को इसकी लिमिटेशन बताते हुए कि देखो हमने किसी भी कंसेप्ट को बेटे निग्लेक्ट नहीं किया, वी हैव निग्लेक्ट एनी ऑफ द कंसेप्ट, वी हैव टोल्ड सम ऑफ द लिमिटेशन, वी आर स्टिल डीलिंग विद दिस कंसेप्ट, सो ऑल द कंसेप्ट वी हैव टू स्टडी, ऑल द कंसेप्ट हैव सर्टेन लिमिटेशन. ये नहीं कि अकेला आरहीनियस का लिमिटेशन है तो आगे वाले कंसेप्ट की नहीं है, तो एवरी कंसेप्ट हैव सर्टेन लिमिटेशन. ओके, ठीक है, गॉट आरहीनियस कंसेप्ट. तो आरहीनियस कंसेप्ट ने ना हमें अमोनिया के बारे में बताया और ना ही हमें इसने ये बताया कि एच प्लस क्यों अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, फिर आ गया बेटे ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. एर्थ डी बच्चों को है ना टाइम ही नहीं पता. सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आरहीनियस ने कहा एसिड के लिए वो बिल्कुल वही कंसेप्ट इसने कहा. आरहीनियस ने क्या बोला था कि जो एसिड है वो एच प्लस देता है, तो इसने भी ये कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एच प्लस. ठीक है, तो एसिड क्या है, विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एच प्लस, और एच प्लस होता क्या है बेटे, इट इज अ प्रोटोन, you can say proton to, why, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एक प्रोटोन ही बचता है जो कि H प्लस है. ठीक है, और बेस क्या है, अगर एसिड ये H प्लस दे देता है बेटे
बेस वो चीज है जो ये एच प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द एच प्लस हम ये कह सकते हैं प्रोटोन, वी कैन से प्रोटोन. सी एट क्लास इज ऑल्सो कमिंग, दे आर नॉट अवेयर द टाइमिंग, ये सोए हुए बच्चे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज एसिड विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एच प्लस, मीन्स दे आर प्रोटोन डोनर्स एंड बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर. प्रोटोन इज नथिंग, एच प्लस इज नथिंग बट अ प्रोटोन. एज एच प्लस में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके न्यूक्लियस में क्या बचता है बेटे, एक प्रोटोन. ठीक है, अब इसके क्योंकि जिस हमने पहले वाले कंसेप्ट में बात करी कि इसने हमें ये नहीं बताया कि अमोनिया बेस क्यों है, अब इस कंसेप्ट के हिसाब से अमोनिया बेस क्यों, लेट अस सी. ठीक है, वो अमोनिया आपके पास है बेटे, आपने वाटर में डाला, तो अभी हमने बात करी कि बेस वो है जो एच प्लस दे. अब इसका मतलब ये जो ले, तो इसका मतलब ये है बेटे अमोनिया विल टेक दिस एच प्लस. When it will take this H plus, it will form, it will act as a base and it will act as an acid. ठीक है, okay, forming ये क्या बन जाएगा NH4, ये हो गया positive, क्योंकि इसने H positive दिया है तो ये क्या हो गया OH negative. ठीक है, ओके, तो इसने क्या किया बेटे, प्रोटोन लूज किया तो ये क्या बन गया एसिड. इसने प्रोटोन गेन किया, इससे इसने लूज किया और इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया. अब जब गेन कर लिया तो ये इसका एक पेयर बन गया जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर. अब इस बेस का ये एसिड है क्योंकि ये अब एच प्लस दे सकता है, और इस एसिड का ये एक बेस है क्योंकि ये एक एच प्लस ले सकता है. इसे कहते हैं ब्रॉन्स्टन लोरी ने कंसेप्ट दिया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और इसमें से बेटे क्वेश्चन आना ही होता है पेपर में. आपको कुछ भी गिवन होगा, आपको पूछा जाता है कि द स्पीशीज गिवन टू यू, इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो या कॉन्जुगेट बेस लिखो. ठीक है, तो आपने जब कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए, जो भी स्पीशीज गिवन हो, अगर आपसे बेस पूछा गया है तो जो भी स्पीशीज गिवन हो उससे एच कम कर दो. ठीक है, अगर आपसे बेस, जैसे मैं NH3 का, सॉरी हाँ, तो NH3 का ही बेस पूछ लो, अगर मान लो ये एसिड करके दे दो तो आपने इसका एच कम करना है. ठीक है, आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. और हमने क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही आने होते हैं. ठीक है, ओके, मींस आपको पूछा जाता है किसी का भी कॉन्जुगेट, अगर मैं एसिड पूछूं उसमें से एच प्लस इंक्रीज कर दूं, जैसे इस बेस और इस एसिड में फर्क क्या है, जब ये बेस से एसिड बना तो H प्लस इंक्रीज हुआ, जब ये एसिड से बेस बनाए तो H प्लस डिक्रीज हुआ. ठीक, किसी का भी आपको एसिड या किसी का भी बेस पूछा जाए तो जब बेस पूछा जाए तो H प्लस कम कर देना आपने, जब एसिड पूछा जाए तो H प्लस बढ़ा देना. ठीक है, एसिड असेंडिंग, असेंडिंग की तरफ जाना, असेंडिंग की तरफ. ठीक है, एसिड में H प्लस को बढ़ा देना, एसिड में एच प्लस को बढ़ा देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे ऐसे ही क्वेश्चन हम पूछेंगे. ठीक है, राइट द, दिस विल कम फॉर द 2 मार्क्स. ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग. तो लेट मी क्लियर यू द कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट. ठीक है, जैसे कि अब मैं HCl को वाटर में डालू,
ओके अगर मैं HCl को वाटर में डालूं तो अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H प्लस वाटर को दे देगा, तो इस केस में ये एसिड की तरह एक्ट करेगा और ये किस तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। तो ये क्या बन रहा है बेटे, Cl नेगेटिव, और ये क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव। तो वाटर से इसका क्या बना, एक कॉन्जुगेट एसिड पेयर बना, और HCl से क्या बना, कॉन्जुगेट बेस पेयर बना। ठीक है, तो देखो इन दोनों में फर्क क्या है, बेस के पास एक H प्लस कम होता है, ठीक है, बेस के पास एक H प्लस कम होता है। ठीक, अब ध्यान समझो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस पेयर है वो एक वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि वो H प्लस नहीं गेन पाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो बेस पेयर है वो वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है उसका कॉन्जुगेट जो एसिड पेयर है वो वीक एसिड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे, देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस पेयर क्या है, क्लोराइड। इसके पास टेंडेंसी नहीं है कि ये H प्लस गेन करे, ये लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, तो रिएक्शन आपके हमेशा इस केस में फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, नॉट बैकवर्ड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस पेयर है वो वीक है। अब ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस पेयर है वो स्ट्रॉन्ग है। समझ आ रही है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस पेयर, उल्टा। समझ आई, जो एसिड में H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका जो बेस पेयर है वो वीक होगा, और जो एसिड में H प्लस देने की टेंडेंसी कम होगी खुद, जो उसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉट इट, एनी डाउट? यस ऑल ऑफ यू। HCl से क्या बना, इसका पेयर कौन सा है, Cl नेगेटिव। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl नेगेटिव एक वीक बेस है बेटे, वीक बेस, ठीक है, वीक बेस है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ H प्लस या गेन ऑफ H प्लस से, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसको ध्यान से देखो, HCl प्लस वाटर Cl नेगेटिव H3O पॉजिटिव बना बेटे। HCl ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्स बहुत कम होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ध्यान से समझो, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएगी, तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बहुत कम पहुंचेगी। समझ रहे हो समृद्धि? अब HCl को जब आपने वाटर में डाला तो आपको क्या बना, कि ये HCl एसिड की तरह एक्ट किया, ब्रॉन्स्टेन लॉरी एसिड आई, तो इसने क्या किया, H प्लस डोनेट किया, प्रोटोन डोनेट कर दिया। किसने एक्सेप्ट किया, वाटर ने एक्सेप्ट किया, तो ये कैसे एक्ट किया, बेस की तरह, तो ये क्या बना बेटे, हाइड्रोनियम आयन। जिसने लूज किया H प्लस वो एसिड है, जिसने गेन किया वो बेस है, वाटर है इस टाइम बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। अब जब HCl ने H प्लस लूज किया तो इसके पास जो रिजल्टेंट है वो Cl नेगेटिव है, जो इसका बेस पेयर है, क्योंकि अब ये H प्लस डोनेट नहीं कर सकता, ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्जुगेट बेस पेयर। इन द सेम वे वाटर ने जब H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये हाइड्रोनियम बना, अब ये हाइड्रोनियम जो है वो H प्लस डोनेट कर सकता है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो क्लोराइड है वो वीक बेस है, कॉन्जुगेट बेस पेयर जो है वो वीक है, क्योंकि ये H प्लस गेन नहीं कर पाएगा, अगर गेन करेगा तो फिर से HCl टूट जाएगा,
फिर गेन करेगा, फिर से HCl टूट जाएगा। तो रिएक्शन हमेशा इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। जब एक आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो इसका जो बेस पेयर है वो वीक है। अगर आप वीक एसिड ले लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एसिड ले लिया, ठीक है, अब जब मैंने ये वाला एसिड लिया तो इसने H प्लस गेन किया इससे, तो यहां पे क्या बना एसिटेट और यहां पे क्या बना हाइड्रोनियम। अब इस एसिडिक एसिड का ये क्या है बेटे, बेस पेयर। तो ये एक वीक एसिड है तो हम इसका जो बेस पेयर बोलते हैं, हम बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, इक्विलिब्रियम वापिस से आ सकता है इस तरफ। ओके समृद्धि, गॉट इट? यस समृद्धि, ओके ठीक है। एवरी एसिड हैज कॉन्जुगेट बेस पेयर, एवरी बेस हैव कॉन्जुगेट एसिड पेयर। इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन बेस पेयर विल बी वीक, इफ द एसिड इज वीक देन बेस पेयर विल बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ओके। तो व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट, विच डोनेट एच प्लस दैट इज प्रोटोन, एंड व्हाट इज अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट विच कैन एक्सेप्ट एच प्लस। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, लाइक वाइज स्ट्रॉन्ग बेस हैव वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड वीक बेस हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। यू नो अकॉर्डिंग टू दिस वन HCl इज परक्लोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, यू विल बी स्टडिंग इन क्लास प्लस टू इन पी ब्लॉक। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू, इफ हम हाइड्रो एसिड की बात करें, ये नहीं इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है वो एसिड जो कि H प्लस रिलीज करता है, दैट इज HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। एंड HCN इज अ वीकेस्ट एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट वीकेस्ट बेस, इट इज सीजियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सॉरी, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसको हम आयोनाइजेशन इनथैलेपी से बच्चों को समझाते थे कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन इनथैलेपी डिक्रीज करती है, एंड विल डू इन एस ब्लॉक दैट OH नेगेटिव इजिली निकल जाएगा, ठीक है ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ अब हमने पहले रिएक्शन करी अमोनिया प्लस वाटर की, फिर हमने रिएक्शन करी बेटे HCl प्लस वाटर की। जब हमने अमोनिया प्लस वाटर की रिएक्शन करी तो वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है ना। जब हमें HCl और वाटर की रिएक्शन करी तो वाटर एज ए बेस एक्ट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, विच इज एक्टिंग बोथ एन एसिड एंड बोथ एज अ बेस। एसिड जब वो अमोनिया के साथ प्रेजेंट था, बेस जब वो HCl के साथ प्रेजेंट था, ऐसे को क्या बोलोगे बेटे, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ओके। सो अब इसको भी हम पूरा अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट करना आगे। विल स्टार्ट टुमारो, ओके, विल मीट नाउ टुमारो।